तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रिसेंटली सोनी लिव पे रिलीज हुई मूवी थलवन को, जो कि एक मिस्ट्री थ्रिलर जॉनर का है। मैं आप लोगों को दावे के साथ बोल सकता हूँ, आप अपने दिमाग में खेलते जाओगे कि असली खूनी कौन है। तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमको एक न्यूज टेलीकास्ट रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देख पाते हैं कि ये जो न्यूज चैनल है, ये मिस्ट्री केसेस के ऊपर स्टोरी कवर करते हैं जो कि अभी भी अनसॉल्व्ड है, या उसके बारे में कुछ चौंका देने वाला सच व्यूअर्स को देखना चाहिए। तो ये लोग रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स को अपने चैनल में बुलाते हैं और उनके लाइफ के केसेस हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। इससे क्या होता है कि टीआरपी भी हाई रहता है और रॉ न्यूज रहता है, इसलिए लोग देखना भी पसंद करते हैं, जिनजी लोग भी। हम अभी जिसको देख रहे हैं वो डीआईएसपी उदय भानु है, जो न्यूज रिपोर्टर है। वो उनसे बोल रहे होते हैं, सर आप अपने पुराने केस के बारे में थोड़ा बात करिए। वो समझ नहीं पाता कौन से केस के बारे में। वो लड़की तब बोलती है, सर आप चपड़न पुट्टा केस के बारे में बात कर सकते हैं। ये केस सुनने के बाद ही मानो उदय भानु मना कर देता है। वो बोलता है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, मैं इसके बारे में कुछ डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। तो वो लड़की बोलती है, सर आप अपना भी इमेज सुधार सकते हो, क्योंकि इस केस में आपका भी रिपोर्टेशन बहुत खराब हुआ था, ये मीडिया में आया था, और हमारे शो को अच्छा खासा टीआरपी भी मिलेगा, लोग जान पाएंगे असली सच। तब डीआईएसपी बहुत सोचता है, सोचने के बाद वो ये बोलता है, कभी मैं भावना में बहके कुछ ज्यादा बोल गया तो उसको कट करना पड़ेगा। हर सीन को लाइव जाने से पहले मुझे दिखाना पड़ेगा, और किसी जगह मुझे लगा कि ये ट्रिम करना है तो उसको ट्रिम करना पड़ेगा। वो लड़की इस बात पे भी मान जाती है। फिर उदय भानु चपड़न तुट्टा केस के बारे में बात करना शुरू करते हैं। 2019 में महीने की बात ही है, और हमको चपड़न तुट्टा पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है। फिर हम कार्तिक को देखते हैं, जो कि गाड़ी से उतरते हैं, जिसकी इधर ट्रांसफर हुआ है। इससे पहले 5 बार उसकी ट्रांसफर हो चुकी है। वो एक एसआई है, जिसकी कि सिर्फ 2 साल की नौकरी में 5 बार ट्रांसफर हो चुका है। फिर हमको जयशंकर को दिखाया जाता है, जो कि इसी पुलिस स्टेशन में सीआई है। सारे लोग उसको ही रिपोर्ट करते हैं, एज यूजुअल कार्तिक को भी करना पड़ता है। पर कार्तिक के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए जयशंकर उसे डांट लगाता है। ये बोलता है, तुम क्या पीटी उषा के फैमिली से हो, किसी भी जगह तुम टिकते क्यों नहीं हो। कार्तिक फिर आंसर देता है, सर कोई करप्शन के वजह से मेरा ट्रांसफर नहीं होता, मैं मेरी सीनियर्स के ऑर्डर बेतु के बातों के लिए नहीं मानता, कहीं पर अगर मुझे करप्शन दिखता है और वो अगर गलत है तो मैं आवाज उठाता हूँ, जो कि आपको पता है डिपार्टमेंट में सीनियर लोगों को उतना पसंद नहीं है। जयशंकर ने पहले उसे टॉन्ट मारा और कार्तिक ने भी अच्छे से उसको आंसर दे दिया। तो दोनों के संबंध में ही पहले दिन से थोड़ा खटास आ जाता है। जब कार्तिक सीआई सर के रूम से निकलता है, तब एक कांस्टेबल उसे बोलता है, सर हमारे बहुत ही गरम मिजाज के हैं, पर तुम अगर उनसे अच्छे बिहेव करोगे वो भी तुम्हारे साथ सही रहेंगे। फिर वो उसे कहानी सुनाता है, आज से 2 साल पहले इन्हीं का ही स्टेशन का एक कांस्टेबल, जिसका नाम होता है रघु, वो एक टीवी एक्ट्रेस को परेशान करने लगता है। मतलब पहले वो कंप्लेन लिखाने के लिए गए थे उनके पति के लिए, पर उसके पति अभी घर में नहीं रहते, तो रघु फायदा उठा के उनके घर में जाते हैं और इनके साथ सोने की कोशिश करते हैं। पर उधर जयशंकर और उसकी टीम रंगे हाथों रघु को पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो पुलिस में होते हैं इसलिए ज्यादा कुछ वो नहीं करते। उसको समझाते हैं कि बीवी बच्चे होते भी तुम ये सब कुछ क्यों करते हो, थोड़ा सुधर जाओ। पर हमारे जयशंकर जी पूरा लॉ फॉलो करते हैं, क्योंकि ये गलत काम था, इसलिए रघु को 6 महीने के लिए डिपार्टमेंट से सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर जब रघु ज्वाइन होते हैं, वो जयशंकर सर के बिल्कुल खिलाफ हो जाते हैं। तो तुम ही बताओ, वो तो अपने ड्यूटी कर रहे थे, इसमें क्या गलती है। तब कार्तिक बोलता है, जयशंकर सर पूरे मेरे तरह ही हैं, मैं भी ये सब कुछ टॉलरेट नहीं करता। फिर से हमको फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद जयशंकर जब अपने वाइफ सुनीता को पोस्ट ऑफिस में छोड़ के अपने स्टेशन जा रहा होता है, जोशी नाम का एक आदमी सुनीता के ऊपर हमला करता है जानलेवा, जिससे सुनीता घायल हो जाती है। पर जब जोशी से पूछताछ किया जाता है, वो बताता है कि गलती से उसने दूसरे औरत के ऊपर हमला कर दिया, सुनीता उसका टारगेट था ही नहीं। तब जोशी को जेल हो जाता है। फिर सुनीता को ठीक होने में 2 साल लगते हैं, पर सुनीता आज भी थोड़ा लंगड़ा के चलती है। फिर हम प्रेजेंट डे में देखते हैं, कार्तिक को एक कांस्टेबल आके बोलता है, सर आपका एक दोस्त मनुदास जो कि भी जेल के अंदर है, वो बोलता है कि आपके साथ ही उसने पढ़ाई किया है स्कूल में। फिर कार्तिक उससे मिलने के लिए जाता है और जाते ही उसे पहचान जाता है और बोलता है कि तू जेल के अंदर कैसे आया। फिर मनुदास बोलता है, मैं केबल का काम करता हूँ इस शहर में बहुत टाइम से। कुछ टाइम पहले विनायक करके एक आदमी बाहर शहर से आता है और बहुत पैसे से वो भी केबल का काम शुरू कर देता है, पर उसका धंधा उतना चल नहीं रहा था, क्योंकि हमारे शहर में मुझे ही सब लोग पहचानते हैं। वो जब देखने लगा कि उसका धंधा नहीं चल रहा, तो अपने लोगों से केबल मेरे कटवाने लगे। मैं जब उससे बात करने के लिए गया कि बिजनेस फेयरली करते हैं, वो मेरी बात को नहीं सुनता, उल्टा मेरे ऊपर ही चीखता है और मुझे एक लात भी मारता है।
उसने बोला कि मार्केट से बहुत पैसा कर्जा लेके उसने बिजनेस शुरू किया है, पर वो मैं क्यों देखूं? मुझे भी तब गुस्सा आता है और मैं जब उसे पलट के मारने के लिए जाता हूँ, एक धक्के से वो एक नुकीली चीज में गिर जाता है और वो घायल हो जाता है, पर मैंने इंटेंशनली ये नहीं किया है। 4 दिनों में मेरी शादी है, मैं तुझको वादा करता हूँ मैं शादी करके ही फिर से सरेंडर कर दूंगा, तू थोड़ा देख ले। कार्तिक मानो उसके बात पे कन्विंस हो जाता है और उसका पुराना दोस्त भी होता है तो उस रेफरेंस से कार्तिक उसे अपने रिस्क पे छोड़ देता है। फिर इधर से सीन शिफ्ट होता है और उनको रमिया नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने बच्ची को पड़ोसी के घर में छोड़ के पुलिस स्टेशन की तरफ आने लगती है। फिर हम देखते हैं कि जयशंकर पुलिस स्टेशन में आता है और उसे जब पता चलता है कि कार्तिक ने मनुदास को छोड़ दिया है, वो उसके ऊपर भड़क जाता है कि एक प्रोसीजर होता है, तो मुझे बिना बताए किसी को कैसे रिलीज कर सकते हो और उसे कोर्ट में पेश करना है। कार्तिक फिर उनको समझाता है और ये भी बोलता है, सर मैंने आपको कॉल किया था, तो जयशंकर बोलता है मैं बिजी रहता हूँ, पुलिस स्टेशन मेरे कंट्रोल में आता और मुझे बहुत काम होते हैं। सबके सामने जब कार्तिक को भला बुरा बोला जा रहा होता है तभी हम देखते हैं रघु बहुत खुश हो रहा था। कार्तिक को तब बहुत गुस्सा आता है, वो ये बोलता है कि आपको फिर एसआई की जरूरत ही क्या है अगर सारा काम आपसे पूछ के करना पड़े। तब जयशंकर बोलता है ठीक है तुमको अब सबक सिखाना पड़ेगा कि सीनियर की इज्जत कैसे करा जाता है। उसे बोलता है तुम गाड़ी में आके बैठो और वो पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं। फिर हम देखते हैं कि रमिया तभी पुलिस स्टेशन में आती है और आने के बाद जयशंकर सर से वो माफी मांगती है और ये बोलती है कि मेरा पति निर्दोष है। रमिया और किसी के नहीं जोशी की पत्नी होती है, वही जोशी जिसने सुनीता के ऊपर हमला किया था और ये बोला था कि गलती से मैंने सुनीता के ऊपर हमला कर दिया। जयशंकर सर बोलते हैं तुम्हारे पति ने संगीन जुर्म किया है, मेरी पत्नी 2 साल से व्हील चेयर में थी, अच्छे से वो चल भी नहीं पाती और आज तुम्हारे पति जेल में सर रहा है उसलिए असली जगह। तब रमिया बोलती है सर मेरे पास कुछ पैसे भी है, मेरे वकील ने बोला कि पैसे दे के कुछ ठीक करा जा सकता है। जयशंकर तब उसके ऊपर चीख लेता है और ये बोलता है अगर तुम लड़के होते तुम्हें मैं आज ही दिखा देता, और गाड़ी लेके कार्तिक के साथ वो निकल जाते हैं और वो सीधा जा पहुंचते हैं मनु दास के घर पे और उसके कॉलर को पकड़ते हुए सबके सामने उसको खींच के गाड़ी में बिठाते हैं और ये बोलते हैं तुझे मैं जेल में सड़ाऊंगा और तेरा कोई दोस्त तुझे नहीं बचा पाएगा, कानून की मजाक बना लिया है तुम लोगों ने। और ये टॉन्ट वो मार रहा था कार्तिक को। जब मनुदास को गाड़ी में बिठा रहे थे तब हम देखते हैं बहुत ही आक्रोश की नजर से वो देख रहा था जयशंकर को। फिर उधर से 4 महीने के बाद सीन शिफ्ट होता है और गांव में फेस्टिवल चल रहा होता है, उधर बहुत नॉइज हो रहा था, पर उधर हम देखते हैं कि जयशंकर किसी से फोन में बात कर रहा होता है कि आज रात को मेरे घर वाले घर में नहीं होंगे, वो लोग मेरे ससुराल जा रहे हैं तो घर पूरा खाली रहेगा तुम लोग आ सकते हो। फिर हमको उसी दिन दिखाया जाता है जिस दिन मनुदास जेल से रिलीज हो रहा था अपने भाइयों के साथ। फिर हमको रात को दिखाया जाता है जहाँ पर स्टेशन पे कार्तिक होता है और रघु कार्तिक सर से बोलते हैं आपको इतना प्रेशर में जयशंकर सर जानबूझ कर डालते हैं क्योंकि आपने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, मैंने भी किया था, वो अच्छे आदमी नहीं है बहुत ही एरोगेंट है और मैंने तो ये भी सुना है वो रिश्वत भी लेते हैं और रमिया करके जो लड़की है ना उसके साथ भी उनका अफेयर चल रहा है। कार्तिक फिर बोलता है तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो, तुम्हारा काम क्या है? तब रघु बोलता है सर मुझे 3 दिन की लीव चाहिए, मैं थोड़ा शहर जा रहा हूँ, क्योंकि कार्तिक को भी पता था कि रघु दूध का धुला नहीं है क्योंकि कांस्टेबल ने कार्तिक को रघु के बारे में सब कुछ बता दिया था। फिर हम देखते हैं फेस्टिवल के इलाके पे जब कार्तिक ड्यूटी दे रहा होता है तभी उदय भानु उसे कॉल करता है। उदय भानु ये चाहता है कि कार्तिक और सीआई जयशंकर के बीच जो अनबन है वो ठीक हो जाए तभी अच्छे से स्टेशन चलेगा, इतना खटास रखने से क्या फायदा, इसलिए वो कार्तिक को भी बुला लेता है जयशंकर के घर पे और उसे दारू ऑफर करता है। जयशंकर तब बोलता है इन सब की क्या जरूरत है, तुमने उसे क्यों बुलाया, ये सब कुछ वो कार्तिक के सामने ही बोल रहा होता है। कार्तिक फिर बोलता है सर मैं वर्दी पीऊं और मैं नहीं पीऊंगा, मुझे ड्यूटी करना है। फिर उधर से गाड़ी लेके गुस्से में निकल जाता है। फिर हम दूसरे दिन सुबह देखते हैं जयशंकर छत पे होता है तभी प्रशांत करके एक लड़का साजीवन को ले आता है और ये बोलता है कि सर पिछले रात फेस्टिवल था इसलिए आपके घर में प्लम्बिंग का काम नहीं हो पाया, ये अच्छा प्लम्बर है मैं इसको ले आया ये पूरा काम करके रखेगा, अगर आप घर से बाहर जाते हो इसे चाबी दे के जाना वो मेज पे रख देगा। साजीवन कमरे के अंदर जाता है और प्लम्बिंग का काम वो शुरू ही करने वाला था तभी छत के ऊपर से एक गमला गिरने की आवाज आता है, साजीवन सर करके पुकारता है फिर वो भागते हुए छत पे आता है। वो छत पे आके देखता है कि एक बस्ते के अंदर रमिया की बॉडी रखा हुआ है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से घायल था, मतलब रमिया मर चुकी है और उसे देखते हुए जयशंकर बिल्कुल शॉक खड़ा हुआ होता है। साधवन बहुत ही घबरा जाता है और भागते हुए बाकी लोगों को बुला के आता है। जयशंकर उधर बुद्ध बन के खड़ा हुआ होता है। फिर क्या था, ये खबर पूरे गाँव में फैल जाता है और पुलिस स्टेशन में भी। पुलिस स्टेशन में से सारे लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं इंक्लूडिंग कार्तिक और DISP उदय भानु कार्तिक को बोलते हैं कि SP सर्वे इधर आने वाले हैं, उनको ये मत बोलना कि पिछले रात हम इधर दारू पी रहे थे। पर कार्तिक बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल सकूंगा, वो अगर मुझसे पूछेंगे मैं बता दूंगा और आप ही ने मुझे इधर बुलाया था। असलियत में उदय भानु खुद का रास्ता भी साफ करना चाहता था क्योंकि उस दिन रात को वो भी दारू पी रहा था, SP साहब को अगर पता चला तो ये भी इस केस में घसीटा जाएगा। फिर हम देखते हैं कि SP सर आते हैं और पूछताछ करना शुरू करते हैं, वो उनके बीबी के सामने ही पूछते हैं कि रमिया का तुम कैसे जानते हो,
तब जयशंकर बोलते हैं कि रमिया के पति ने ही मेरे पत्नी के ऊपर हमला किया था और जब से उसका पति जेल में है वो मुझसे मिलने के लिए आती है, सिर्फ यही बात दोहराती है कि मेरे पति बेकसूर है, अब पैसे लेके उसके पति को मैं छोड़ दूं, केस वापस ले लूं, यही वो बोलती रहती है। फेस्टिवल के आखिरी दिन सुबह जब मेरे फैमिली ससुराल गए थे रमिया फिर आई थी पैसे लेके, पर मैंने उसे साफ मना कर दिया। और करीब तब शाम के 4 बज रहे होते हैं, तभी एसपी आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ करने लगे कि रमिया को तब किसी ने देखा या नहीं। तभी प्रशांत करके जो लड़का है वो बोलता है, हाँ सर मैंने देखा था कि रमिया उसके बच्ची के साथ सर के घर पे आई थी, तकरीबन तब 6 बज रहे थे। जयशंकर तब बोलता है कि नहीं सर वो 4 बजे आए थे और उसके साथ कोई बच्ची नहीं थी। फिर क्या था, दोनों के बातें मिसमैच हो रहे थे तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। इसी के साथ हम ये भी देखते हैं जिस दिन रमिया मरी है और उसी दिन उसकी बेटी की मिसिंग की खबर पूरे न्यूज चैनल में सर्कुलेट होने लगा था और एसपी और डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर बन रहा होता है। फिर हम देखते हैं कोई सबूत ना होने के वजह से जो सस्पेक्ट होता है मतलब जयशंकर, उनको अरेस्ट करना पड़ता है पुलिस डिपार्टमेंट को। और जब ये सब कुछ हो रहा था रघु बहुत ही खुश हो रहा था। जयशंकर के केस को जब कोर्ट में लिया जाता है कोर्ट उसको 15 दिन के लिए रिमांड में डाल देते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है कार्तिक अपने मामा से मिलने के लिए आता है अपने माँ के साथ। उसका मामा एक पार्टी का लीडर होता है मतलब वो नेता होता है। उसके मामा इस केस के बारे में बात करते हैं और ये बोलते हैं कि हमारी छवि खराब हो रहे हैं, हम लीडिंग पार्टी है और अब से मैं ये चाहता हूँ कि उदय भानु की जगह तुम इस केस को लीड करोगे, ऑफिशियली उसी का ही नाम रहेगा पर सॉल्व करोगे तुम। मैं चाहता हूँ जो भी इसके पीछे वो आगे आए, क्योंकि उदय भानु उसका दोस्त है, वो चाहेगा कि जयशंकर बच जाए पर मैं नहीं चाहता कि कल्प्रिट बचे, जो भी कल्प्रिट होगा वो सामने आए, मैं एक भय मुक्त शहर बनाना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि इस केस को सौंप दिया जाता है कार्तिक को, पर उदय भानु उससे नाराज था, वो ये बोलता है कि सरकार आएंगे सरकार गिरेंगे तुमको डिपार्टमेंट में रहना पड़ेगा। पर कार्तिक अच्छे से पोलाइटली बात करता है, ये बोलता है सर मुझे पूरा डिपार्टमेंट का सपोर्ट चाहिए, अगर जयशंकर सर निर्दोष है हम पूरे केस के तह तक जाएंगे, अगर वो दोषी है तो वो जेल में जाना डिजर्व करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन शुरू होते हैं, कार्तिक जाता है रमैया के पड़ोसी के घर जाके ये पूछते हैं कि जयशंकर सर के अलावा वो किसी और पुलिस ऑफिसर को जानते हैं। तब पड़ोसी बोलती है मैंने एक बार देखा था कोई एक पुलिस ऑफिसर अपने पत्नी के साथ रमैया के घर में आए थे पर उनका शक्ल मुझे याद नहीं है और मैंने अच्छे से देखा भी नहीं था, पर रमैया उसके पत्नी के साथ बहुत टाइम तक बातें कर रही थी घर के अंदर। फिर हमको जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर जेल के अंदर है, चोरों चक्कों को मौका मिल जाता है कि इसे वो सताए और इसके ऊपर टॉर्चर करे, तो जयशंकर के ऊपर भी वही होता है, सारे लोग उसके ऊपर चढ़ जाते और मारने की कोशिश करता है पर जयशंकर एक एक को बहुत अच्छे तरीके से पीटता है। तभी पीछे से एक छुरा लेकर एक आदमी आता है और जयशंकर के पेट में घुसा देता है, थोड़ा सा इंजर्ट कर देता है उसे, वो और कोई नहीं वो जोशी होता है, वो बोलता है तूने मेरी पत्नी को मार डाला, पर जयशंकर ये नहीं मानता, वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे पत्नी को नहीं मारा। तब तक हम देखते कि वार्डन वगैरह आ गए थे और उसको अलग करके जयशंकर के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेजा जाता है। फिल्म में कार्तिक आता है और उससे पूछताछ करता है तुमको एग्जैक्टली क्यों लगता है कि जयशंकर सर नहीं तुम्हारे बीवी को मारा है। तभी जोशी बोलता है उस दिन रमिया ने मुझे फोन किया था, फोन में वो बोलने लगी कि जयशंकर सर से मैं मिली थी पर वो मुरे ऊपर गुस्सा हो रहे थे, जो भी हो तुमने गलत काम किया है, पर फिर मैं उधर से लौट आई पर सर को हो सकता है मेरे ऊपर थोड़ा दया आ गया तो उन्होंने खुद ऑटो भिजवाया है उनके घर में जाने के लिए और कुछ पैसे की बात भी वो करेंगे और सेंटो नाम का एक लड़का ऑटो चला रहा है और ये सारी बात कार्तिक सर मैंने उदय भानु सर को बताया था। उधर से सीन शिफ्ट होता है और हमको हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, डॉक्टर बोलते हैं पस नहीं जमा है तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तब जयशंकर एक दोस्ती के नाते उदय भानु से एक फेवर मांगता है कि मेरे पास सही टाइम है तुम कोर्ट में जाके ये बोलो कि मैं सीरियसली इंजर्ड हूँ और मुझे 15 दिन का टाइम दिया जाए, इसी 15 दिन के अंदर मैं केस को सॉल्व करूंगा। उदय भानु यही करता है, जज के सामने जाके वो एक फेक मेडिकल रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, जज भी इस बात को मान जाते हैं और उनको 15 दिन की टाइम दिया जाता है, सिर्फ यही बोला जाता है कि शहर छोड़ के वो ना जाए और कोई भी एविडेंस को टेम्पर्ड ना करे। फिर हम देखते हैं कि जयशंकर सर के घर में एक बंदा फोन का कैमरा लेके वीडियो वगैरह बना रहा होता है, तब पड़ोसी उसको पकड़ लेते हैं और पुलिस स्टेशन ले आते हैं। पुलिस स्टेशन आने के बाद वो बोलता है कि इन्होंने मुझे बहुत पीटा, मैं एक राइटर हूँ, मैं सच्ची घटना पे लिखता हूँ थ्रिलर मिस्ट्री केसेस और सर मैं आपको एक ब्रेक थ्रू न्यूज दूं कि जयशंकर जी के पत्नी ने ही रमैया को मारा है क्योंकि उनको पता चल गया होगा कि रमैया और सर के बीच में कुछ अफेयर चल रहा है। फिर हमको दिखाया जाता है उस दिन रात में जयशंकर सर के घर में कोई तो आता है और वो जयशंकर जी के बुलेट के ऊपर से पर्दा हटाते हैं और उस बुलेट को पेट्रोल छिड़क के आग लगा देते हैं। फिर उधर इन्वेस्टिगेशन टीम आता है और कार्तिक नोटिस करता है कि दरवाजे के साथ एक शादी का कार्ड चिपकाया हुआ है और उसको जब वो फ्लिप करता है उसके पीछे कोई फांसी लगाया हुआ था, एक पेंसिल स्केच बना हुआ है। तभी सबका शक जाता है मनुदास के ऊपर क्योंकि जयशंकर सर ने उसका शादी तोड़वाया था, तो उसके घर से उसको उठा लेते हैं पुलिस लोग और उनको बहुत पीटते हैं जो ऑर्डर उदय भानु ने दिया था। तभी कार्तिक उधर आता है और उन लोगों को रोकता है और ये बोलता है ये इतना भी बेवकूफ नहीं है कि क्राइम सीन पे जाए और बुलेट जला दे और अपना ही शादी का कार्ड उधर रख दे, शादी के कार्ड के ऊपर अच्छे से नाम भी पढ़ा नहीं जा रहा था।
और तुमने सुना नहीं, इस केस का इंचार्ज मैं हूँ, उदय भानु सर नहीं, तो मेरे ऑर्डर्स तुम लोग फॉलो करोगे। फिर कार्तिक मनुदास से पूछता है, तुझे क्या लगता है कोई तुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है? वो फिर से विनायकन का नाम लेता है जो कि वो केबल टीवी ऑपरेटर होता है। फिर कार्तिक उसका खोजबीन शुरू कर देता है और उसको पता चलता है कि वो दूसरे गांव में चला गया है। कार्तिक का एक दोस्त बैचमेट होता है जिसका नाम वेनु होता है, जो कि उसी गांव में रहता है, और वो विनायकन का एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है। तब वेनु बोलता है कि उसका हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ है और अभी वो एक हॉस्पिटल में भर्ती है। कार्तिक फिर अगले दिन विनायकन से मिलने के लिए जाता है, पर विनायकन के बात सुनने के बाद उसे लगता है कि ये सस्पेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि विनायकन बहुत टाइम से हॉस्पिटल में है। पूरे बिल्स वगैरह डॉक्टर के साथ बात वगैरह कार्तिक ने किया है और उसके शरीर में इतनी जान नहीं है कि वो दीवार फांद के जाए और बुलेट को जला दे। फिर कार्तिक मनुदास को कॉल करता है, तब उसकी माँ फोन उठाती है। वो बोलती है, आप लोगों की इंट्रोगेशन के डर से मेरा बेटा घर से भाग गया। तभी जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे होते हैं, कांस्टेबल आते हैं और ये बोलता है कि जयशंकर सर ने इस गांव में भी ड्यूटी दिया है। बहुत साल पहले जयशंकर सर के ऊपर हमला हुआ था, एक आदमी ने उनके ऊपर चाकू से हमला किया था, उसका नाम भी सेंटो था। कार्तिक का फिर दिमाग घूमता है, क्योंकि सेंटो नाम जोशी ने भी लिया था, जो कि ऑटो ड्राइवर था उस दिन रमिया का। फिर कार्तिक पुलिस स्टेशन जाता है और जयशंकर सर के उस केस के बारे में पता करता है। तभी उस केस फाइल से पता चलता है कि बहुत साल पहले सेंटो नाम का एक लड़का और उसके गैंग वाले जयशंकर सर के ऊपर हमला किए थे। उनमें से एक लड़का भी होता है जो कि शिवदास का लड़का होता है, जो कि इसी पुलिस स्टेशन में काम किया करता था। वो एक कांस्टेबल मतलब एक पुलिस ऑफिसर का बच्चा होता है और शिवदास जयशंकर जी से मिन्नत मांगते हैं, माफी मांगते हैं, और जयशंकर जी ने इस केस को तब दबा दिया था। फिर हम देखते हैं कार्तिक सीधा उधर से जाता है शिवदेशन के घर पे, और शिवदेशन के घर में जाके पूरे केस के बारे में पता लगता है। असलियत में शिवदासन का लड़का अरुण, जो कि टीनेज होता है, वो सेंटो के गैंग के साथ बहुत छोटे टाइम से ही घुलने मिलने लगता है और उसकी संगत बहुत ही खराब था। तो सेंटो और उसके बाकी गैंग लोग और उसी के साथ और मेरा बेटा अरुण फॉरेस्ट एरिया में घूमने के लिए गए थे, और उनके साथ अरुण की एक दोस्त भी होती है जो कि एक लड़की थी। तभी हमारे ही पुलिस डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर उधर ड्यूटी दे रहा होता है। वो उन लोगों को देख के गलत कमेंट पास करते हैं कि इतने लड़कों के साथ ये लड़की काफी है क्या। तभी उन सबको बहुत गुस्सा आते हैं और उस पुलिस ऑफिसर को पकड़ के वो लोग बहुत पीटते हैं। तभी उस रास्ते से जयशंकर सर अपनी गाड़ी लेके जा रहे होते हैं टीम के साथ। जंगल के बाहर बुलेट खड़ा हुआ देख के उनको शक होता है। वो अपनी टीम के साथ जब अंदर आते हैं, वो देखते हैं कि ये सब कुछ चल रहा होता है, तो वो पुलिस ऑफिसर को छुड़ाते हैं और सेंटो उनके ऊपर हमला करता है और वो सबको पीटते हैं, इंक्लूडिंग मेरे लड़के को भी। और वो मेरे बेटे होने की वजह से मैंने उनसे बहुत मिन्नतें मांगी और बोला कि सर अगर आप केस दर्ज करेंगे मेरे बेटे का लाइफ खत्म हो जाएगा। बहुत मिन्नतें करने के बाद जयशंकर सर राजी हो गए। फिर मेरे बेटे को मैंने छुड़ाया, इधर अच्छे से उसने एजुकेशन वगैरह किया और मैंने उसे आयरलैंड भेज दिया। अब उधर वो खुशी खुशी रह रहा है अपने परिवार के साथ। और सेंटो के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, सेंटो को बहुत सालों से मैंने देखा भी नहीं, पर कार्तिक बोलता है अगर कुछ पता चलता है मुझे आप जरूर इन्फॉर्म करिएगा। दूसरी जगह हम देखते हैं जयशंकर सोच में पड़ जाता है कि उस दिन ये सब कुछ हुआ कैसे। उसे तब याद आता है कि सार्जीवन के पास घर का चाबी होता है, जो कि ये बोल रहा था कि घर का चाबी सर मैं रख दूंगा, आप अगर घर से बाहर कहीं जाना चाहो तो जा सकते हो। मतलब उसको घर का सब कुछ पता था। फिर जयशंकर अपने कांस्टेबल को लेकर सार्जीवन के घर के आसपास जब जाता है, उसे देखते ही सार्जीवन भागने लगता है। फिर हम देखते हैं कि कार्तिक के पास एक कॉल आता है, जहाँ पर कॉल में ये बोला जा रहा था कि सड़क के किनारे सर एक मेडिकल शॉप है जहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा था। जिस दिन जयशंकर के घर में वो ऑटो लेके आई थी, उस ऑटो का नंबर प्लेट हमको मिल चुका है और उस ऑटो के नंबर से हमने पूरा एड्रेस मैच कर लिया है, आपको मैं अभी भेजता हूँ। उस ऑटो का नंबर और किसी के नाम पे नहीं, वो नाम रजिस्टर था रघु के नाम से। कार्तिक को तब रघु का मोटिव पूरा समझ में आता है, हो सकता है कि रघु ही असली कातिल हो। पर वो ऑटो जब चेक करने के लिए जाता है, ऑटो की हालत बहुत ही खराब था। तब वो बोलता है, तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, तुमको अच्छे से पता है कि प्रूफ को कैसे छुपाए जाते हैं। उसी के साथ उधर एक चाकू भी मिलता है, जहाँ पर एक ड्रम के अंदर थोड़े मोड़े खून के छींटे भी मिलता है। तब रघु बोलता है, मेरा भाई का एक चिकन शॉप है, उसी का ही खून ही है। फिर पूरे घर की तलाशी लिया जाता है, पर घर में कुछ भी नहीं मिलता। पर रघु को बोला जाता है, तुम एक सस्पेक्ट ही हो, क्योंकि ये जो गाड़ी का नंबर है, ये एग्जैक्ट मैच करा है जिस टाइम लास्ट बार रमिया ने उस ऑटो पे बैठा था। तुमको थाने आना पड़ेगा और तुम भी एक सस्पेक्ट हो। फिर हम उस दिन रात को देखते हैं कि एक गाड़ी आता है, जहाँ पर से रमिया की छोटी बेटी निकलती है और पड़ोसी के घर में जाके वो पीटती रहती है दरवाजा और अपने माँ को पुकारती रहती है। फिर अगले दिन पूछताछ करने के लिए कार्तिक आता है, पर वो बच्ची बोलने की हालत में नहीं थी, वो सिर्फ अपने माँ को पूछ रही थी कि मेरी माँ किधर है। ये बोल रही थी, एक कैमरा वाले अंकल बोल रहे कि मेरी माँ मर चुकी है। तभी दूसरे गांव का एक ऑफिसर बिनी, जो कि कार्तिक को कॉल करके ये बोलता है कि मैंने सेंटो के बारे में पता कर लिया है, वो एक दूसरी जगह जेसीबी ड्राइवर का काम करता है, एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको भेजता हूँ। फिर कार्तिक और उसकी पूरी टीम जाती है, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि ठेकेदार होता है। वो बोलता है, सेंटो बहुत टाइम से इधर नहीं आया, पर कुछ टाइम पहले वो एक बच्ची को लेकर इधर आया था, दरवाजा मुझे बंद करके रख रहा था, पर मैं अगर उस बच्ची से बात करने के लिए जाता मेरे ऊपर गुस्सा होता। पर
कुछ टाइम पहले इस बच्ची को इधर से वो लेके चला गया। पर साहब आप सेंटो के बारे में क्यों पूछ रहे हो, इससे पहले और लोग आए थे। तब कार्तिक बोलता है कि कौन आया था और वो अपने फोन में जयशंकर सर की फोटो दिखाता है। ये बूढ़ा आदमी बोलता है हाँ सर यही आए थे, सेंटर उनके बूच में हाथापाई भी हुआ था। सेंटो ने उनके सर पे वार किया और भाग गया। फिर हम देखते हैं साजिब इनके घर जयशंकर पहुंच ही जाता है। उसे दबोचने के बाद जब वो पूछताछ करते हैं कि मुझे देख के तुम भागे क्यों, वो बोलता है सर आप लोग पुलिस ऑफिसर हो, मुझे कैसे भी आप लोग फंसा सकते हो कोई भी केस पे, मैं बीवी बच्चा वाला हूँ, आपको देख के मैं डर गया था। फिर हमको दिखाया जाता है कि एसपी सर को कार्तिक पूरा ब्रीफ देता है, रघु के ऑटो के बारे में बताता है और ये भी बोलता है वो जो खून था वो मुर्गी का ही होता है और ऊपर से इस ऑटो के नंबर को पूरा कॉपी करा गया है, ये ऑटो चला ही नहीं। कोई मानो हमारे सामने एक के बाद एक सस्पेक्ट पेश कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि जयशंकर सर के फोन में अनजान एक नंबर से कॉल आता है और ये बोला जाता है कि जिस सेंटो को आप ढूंढ रहे हो वो किसी और के पास नहीं एसआई कार्तिक के पास है, वो कल इसको कोर्ट में पेश करेंगे आपके खिलाफ गवाही देने के लिए और आप फंसोगे। और दूसरी जगह हम कार्तिक के घर को देखते हैं जहां पर घर के बाहर ऑटो चलने की आवाज आता है। कार्तिक जब घर के बाहर जाता है वो वही ऑटो था जिस ऑटो में रमिया बैठी थी और ठीक उस ऑटो के सामने एक कॉफिन होता है जिसके अंदर सेंटो का लाश होता है। केस तो मानो कार्तिक के लिए और उलझ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जयशंकर सर कार्तिक के सामने आते और बोलते हैं मैं तुमको समझाता हूँ ये सब कुछ कैसे हो रहा है, पर कार्तिक को उनके ऊपर भरोसा नहीं था, उसे लगता है इस सब कुछ के पीछे जयशंकर सर ही है। फिर इन दोनों के बीच में हाथापाई होता है और जयशंकर सर उसे शांत करता है और ये बोलता है अभी वो तुमको फंसाएंगे और सीनियर को कॉल करके ये बताएंगे कि सेंटो को तुमने मारा है और तुम्हारा पास रिकॉर्ड भी है, तुम्हारी इतने बार पोस्टिंग हुआ है और तुम मेरे साथ मिले हुए हो, ये भी कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करेंगे, ये सब कुछ रचा जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि उदय भानु सर के पास ऑलरेडी कॉल जा चुका था एक अननोन नाम से और बोला जाता है कि कार्तिक के घर के बाहर सेंटो की लाश आपको मिलेगा। फिर जयशंकर सर और कार्तिक डिसाइड करते हैं इन केस को उन दोनों को ही सॉल्व करना पड़ेगा। फिर गाड़ी लेके वो लोग उधर से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कार्तिक के पास बिनी का एक वॉइस नोट आया था, मुझे एक ब्रेक थ्रू क्लू मिला है, तुम्हें जब भी मेरा वॉइस नोट मिले मुझे जल्द से जल्द रिवर्ट करो, पर उसके कॉल में कॉल नहीं जा रहा था, नॉट रीचेबल बता रहा था। फिर वो दोनों बिनी के घर में जाते हैं और उनको ये पता चलता है कि बिनी तो घर में नहीं है, वो पासपोर्ट ऑफिस लास्ट गया था घर में ये बोल के। पासपोर्ट ऑफिस जाने के बाद जब बिनी का फोटो वो दिखाते हैं वो लोग बोलते हैं ये आए थे 6 लोगों के बारे में पूछताछ करने के लिए, इनमें से सिर्फ दोनों के ही पासपोर्ट है, सेंटो और अरुण। तभी हम देखते हैं कि जयशंकर बोलता है कि बिनी के फोन को ट्रैक करवाओ। ट्रैक करने के बाद जो एग्जैक्ट आवर लोकेशन मिलता है फिर वो लोग उधर जाते हैं, वो लोकेशन और किसी की नहीं, वो लोकेशन होता है रिटायर कांस्टेबल शिवदासन का। फिर हमको दिखाया जाता है कि अरुण का उधर फ्यूनरल हो रहा है और उधर ये पता चलता है कि आयरलैंड पे अरुण का एक्सीडेंट हुआ है, वो मर चुका है। फिर हम देखते हैं कि जयशंकर और कार्तिक को उधर से खाली हाथ ही लौटना पड़ता है, उन लोगों को छुपा रहना पड़ता है क्योंकि हम देखते हैं कि एसपी सर ने उदय भानु को बोल दिया था इन दोनों को ढूंढना ही पड़ेगा। तभी कार्तिक के पास और एक पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है जो कि बोलता है सर मैंने अरुण का ट्रैवल हिस्ट्री चेक किया है, वो कभी इस देश से बाहर गया ही नहीं, मैंने कस्टम डिपार्टमेंट में भी पता किया है पर अरुण कभी आयरलैंड गया ही नहीं। फिर क्या था, ये दोनों फिर से जाते हैं शिवदासन के घर में और उसे इंट्रोगेशन करते हैं 3rd degree में। शिवदासन फिर बोलना शुरू करता है कि उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था, जो भी कहानी था एग्जैक्ट सेम था, असलियत में वो जो लड़की थी वो अरुण की गर्लफ्रेंड होती है और अरुण को बहुत ही बुरा लगता है, सेंटो उसकी मदद करता है पुलिस ऑफिसर को पकड़ के और उस पुलिस ऑफिसर को मार रहा था अरुण और पकड़े रखा था सेंटो ने, जब पुलिस स्टेशन में आप उसे पकड़ के लाए थे और उसको जानवरों की तरह मार रहे थे, मैं आपसे माफी मांग रहा था, मिन्नतें मांग रहा था, पर आपने क्या बोला तुम तुम्हारे बेटे को सजा दो, वो इन जानवरों की तरह है, शुक्र मनाओ मैं इसकी केस दर्ज नहीं कर रहा, आपने मेरे बेटे को मेरे ही हाथों जानवरों की तरह पिटवाया। और ये सब कुछ होते हुए उसकी गर्लफ्रेंड बाहर देख रही होती है, पुलिस स्टेशन से छुड़वाने के बाद मेरा बेटा मेरी वर्दी जला देता है, मैं उसको समझाता हूँ कि तुझे बचाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया है, पर मेरा बेटा मेरे से बात ही नहीं कर रहा था, वो बोलता है आपने मुझे मारा, उसके सामने मुझे मारा, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके नजरों में ही गिर गया, अगर माँ को किसी ने ऐसा बोला होता भले वो पुलिस ऑफिसर हो आप क्या करते, मेरे पास कोई जवाब नहीं था सर, पर मेरा बेटा घुट घुट के जी रहा था, मैं उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रहा होता हूँ पर एक दिन उसने खुद की जान ले ली, पर मैंने इस बात को किसी को नहीं बोला, सिर्फ मैं और मेरे भांजे को इस बारे में पता था, मैंने उसको मेरे कमरे में ही दफना दिया। फिर हमको दिखाया जाता है कि शिवदासन ने ही जोशी को हायर किया था उसके पत्नी को मारने के लिए, पर वो बच गई, पर जोशी जेल चला गया। जोशी ये भी बताता है कि मैंने मेरी पत्नी रमिया को सब कुछ बता दिया है, तुम अगर मुझे डबल क्रॉस किए वो सब कुछ पुलिस को बता देगी, पैसा टाइम टू टाइम मेरी फैमिली तक पहुंच जानी चाहिए। और आप लोगों को पता होगा कि रघु ने ये रूमर फैला दिया था कि रमिया के बीच और जयशंकर सर के बीच कुछ अफेयर चल रहा है, जब ये आग की तरह बात पूरे गांव में फैलने लगा ये बात शिवदासन को भी पता चल गया, तो ये सोच में पड़ गया कि रमिया
एक दिन न एक दिन जयशंकर को सब बता देगा। तो फिर उसने सेंटो को हायर किया रमिया को ठिकाना लगाने के लिए। सेंटो ने जाकर रमिया को ये बोला कि जयशंकर सर ने आपको बुलाया है, और जयशंकर सर के घर के बाहर जाके वो नाटक करते कि सर घर में नहीं है और बोलते कि सर दूसरे घर में है, और दूसरे घर में मतलब शिवदासन के घर में वो लेके जाता है। और रमिया को उधर वो लोग मार देते हैं, और सेंटो को क्रेन चलाना आता था, तो पूजा के दिन रातों रात उस क्रेन की मदद से छत के ऊपर उस बॉडी को वो रखवा देता है। रमिया की बेटी तब तक सेंटो के पास थी, पर रमिया की बेटी उसे इतना डिस्टर्ब करती थी, हर दिन रोती रखती थी, और सेंटो नहीं चाहता और एक संगीन केस उसके ऊपर पड़े, और फिर इसलिए वो बच्ची को छोड़ देता है। शिवदासन से मिलके वो सब कुछ बताता है और कुछ पैसे भी डिमांड करता है और उसे ब्लैकमेल करने लगता है। फिर उस दिन रात को शिवदासन ने उसके भांजे के साथ सेंटो को भी मरवा दिया, और वो बॉडी जाके वो कार्तिक के घर के बाहर रखवा देता है कि सारा शक कार्तिक के ऊपर बैठे। फिर शिवदासन के घर के अंदर ही हमको बिनी की भी बॉडी मिलता है जो कि कैद हुआ हुआ था। फिर उन लोगों में हाथापाई होता है और उनका भांजा भी आता है, पर ये दोनों उन दोनों को मार के नीचे गिरा देते हैं, और फिर पुलिस उधर आते हैं। तभी ये केस सॉल्व हो पाता है और हम देखते हैं कि उदय भानु इस पूरे केस के बारे में उस टीवी न्यूज चैनल को बता रहे होते हैं। उनको कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है जब ये न्यूज टेलीकास्ट हो रहा होता है, और उदय भानु बैठ के अपने घर में देख रहा होता है। तब हमको ये देखने को मिलता है कि उदय भानु भी मर चुका है, इसने उसको गोली मार दिया है। तो ऐसे ही मिस्ट्री एंडिंग के साथ इस मूवी की कहानी खत्म होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करे, और हाँ आपको गिव अवे का रिजल्ट आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो कमेंट सेक्शन जरूर चेक करिएगा। रुकिए आप लोग जाइएगा मत, आप लोगों के लिए एक फ्री मूवी वाउचर या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म का एक महीने का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री हम लोग दे रहे हैं। वो आपको मिलेगा एक छोटा सा टास्क करने की वजह से। आप लोगों के लिए हमारा और एक फ्री सर्विस है, तो वो क्या है, एक वीडियो प्ले होगा अभी, उसको थोड़ा देख लीजिए। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो फ्लिपकार्ट अमेज़न मिंत्रा में, तो आपको पता होगा कि लिमिटेड टाइम के लिए प्रोडक्ट के प्राइस डाउन हो जाते हैं, तो तभी हम हमारे ग्रुप में उस प्रोडक्ट की डील डाल देते हैं, आप लोग खरीद लेते हो। तो पिन कमेंट के पहले लिंक से हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जो कि टोटली फ्री है। अब खरीदेंगे फ्लिपकार्ट अमेज़न मिंत्रा से, पर कब प्राइस डाउन जा रहा है वो हम आपको बताएंगे। देख लिया, अच्छे से समझ लिया कि आप लोगों का क्या बेनिफिट होने वाला है, तो ग्रुप में ज्वाइन होइए, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दीजिए एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड, और उसी के साथ ये भी लिखिए कि आपको हमारा शॉपिंग ग्रुप कैसा लगा। बस इतना ही काम है, नेक्स्ट वीडियो जब हम अपलोड करेंगे हम रैंडम एक कमेंट पिक करेंगे, उसको हम ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करेंगे एंड गिफ्ट वाउचर या OTT सब्सक्रिप्शन पहुंचा देंगे। सो इतना ही था, तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं ऐसे एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या।